नमस्कार, खबर दिनभर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत साय कैबिनेट के बड़े फैसलों से करेंगे। महतारी वंदन योजना को हरी झंडी मिल गई है। 21 वर्ष की विवाहित महिलाओं को लाभ मिलेगा, विधवा तलाकशुदा महिलाओं को भी ये लाभ मिलेगा। इसके अलावा तेंदू पत्ता पर 5,500 रुपए बोनस प्रति मानक बोरा तय किया गया है। साय कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए, महतारी वंदन योजना को हरी झंडी। तेंदू संग्राहक परिवारों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसके तहत तेंदू पत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। और बड़ी मोदी की गारंटी देने का निर्णय आज मंत्रिपरिषद ने और लिया है, जिसके बारे में आप लगातार पूछते थे। महतारी वंदन योजना प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से, साथ ही महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय किया है। और आज मुख्यमंत्री साय ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। मंत्रालय में सीएम ने हाई लेवल मीटिंग की, इसमें नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की गई है। प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम ने जवानों के हौसले की तारीफ की और यह साफ कर दिया कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जो सुरक्षा कैंप अभी लगातार नए नए स्थापित हो रहे हैं, और सुरक्षा कैंप मतलब आसपास के जो गांव हैं, वहां के जो लोग हैं, उनको बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना, उनके बसाहट तक रोड बने, उनका पक्का का घर बने, उनके घरों में बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, गैस का सिलेंडर पहुंचे, राशन पहुंचे, मतलब सुरक्षा कैंप स्थापित होने का ही मतलब है। लेकिन शायद नक्सलियों को ये भी मतलब अच्छा नहीं लगता है कि गरीबों के पास सरकार की ये सब सुख सुविधाएं पहुंचे और इस तरह से सुरक्षा कैंप का लोग विरोध करते हैं। लेकिन हमारे जवान बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हैं और सरकार पूरी तरह से उनके साथ में है और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। पीसीसी के महामंत्री रहे अरुण सिंह ससौदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और सचिन पायलट को भेजा है। सिसोदिया ने इस्तीफे के पीछे की वजह भूपेश बघेल के सलाहकार को बताया था। एक बड़ा पद था उसके बावजूद। देखिए, पहली बात यह है कि मैंने अपना त्यागपत्र बूथ प्रबंधन प्रभारी के रूप में, जो पार्टी ने जिम्मेदारी 1.5 साल पहले दी थी, उससे त्यागपत्र दिया है। और मेरा ये मानना था कि वर्तमान में पिछले 1.5 साल से जो जिस तरीके से बूथ प्रबंधन का काम हम लोग कर रहे थे, कुछ बाधाएं थी, जिसको कि मैंने विस्तृत अपने प्रदेश संगठन को लिखित में दे दिया है। देखिए, संगठन के अंदर हर तरह की चीज़ें होती हैं और ये एक तरह से बोला जाए तो ये अमूमन होती रहती हैं कि कहीं ना कहीं हर आदमी अपनी क्षमता या अपने काम को दिखाने का प्रयास करता है और किसी को आगे बढ़ाने से रोकना या किसी को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसमें मैं उस रूप से उस चीज़ों को नहीं देख। खबर भोपाल से, जहां भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची थी सीबीआई की टीम। 20 अधिकारियों की टीम ने ये जांच की है। डायरेक्टर चैंबर में दस्तावेज खंगाले गए हैं। बताया ये जा रहा है कि खरीदी से जुड़ा हुआ यह मामला है। खरीदी में गड़बड़ी के बाद सीबीआई का यह एक्शन है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का यह कहना है कि एक रूटीन जानकारी लेने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची थी। हैरत की बात यह कि सीबीआई की टीम ने लोगों को अंदर से बाहर जाने और बाहर से अंदर आने, इसके लिए रोक दिया था। सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के लिए बनाए गए भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल
और रिसर्च सेंटर में आज सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की। 20 से ज्यादा अफसरों की टीम अचानक भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचती है और यहां की प्रशासनिक बिल्डिंग में जाती है और वहां पर अपनी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर देती है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि लगातार सीबीआई को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में दवाइयों समेत अन्य सामग्री की, अन्य इक्विपमेंट्स की खरीदी में भारी आर्थिक तौर पर जो गड़बड़ियां हैं वो की जा रही हैं और उसी के बाद सीबीआई ने ये पूरी कार्रवाई की है। लगातार 5 से 6 घंटे तक जो सीबीआई की टीम है वो बीएमएचआरसी में मौजूद रही है और डायरेक्टर समेत यहां के जो अन्य अधिकारी हैं उनसे पूछताछ भी की गई। वहीं सीबीआई की कार्रवाई के दौरान किसी भी कर्मचारी को घर के जाने की अनुमति या कैंपस से बाहर जाने की अनुमति से भी उनको इनकार किया गया कि आप अभी बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि कार्रवाई चल रही है और बड़े पैमाने पर जो दस्तावेज हैं उनको जब्त किया गया, रिकॉर्ड्स जो हैं उनको जब्त किया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है और जल्द ही सीबीआई इस पूरे मामले में कई खुलासे कर सकती है, कई खुलासे इस पूरे मामले में चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि सीबीआई की यह जांच कब पूरी होती है, दस्तावेजों को कब तक खंगाला जाता है और उसके बाद कितनी बड़ी अनियमितताएं निकलकर सामने आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।